बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर मच्छल कुपवाड़ा सेक्टर में भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना के बॉर्डर एक्शन टीम बैट के एक हमले को विफल बनाया। बैट में शामिल एक आतंकी मारा गया है। मुठभेड़ में मेजर रैंक एक अधिकारी समेत 5 भारतीय सेना के जवान घायल हो गए। सभी 5 जवानों को घटनास्थल से निकाल लिया गया है। एक सैन्यकर्मी इलाज के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। बाकी 4 घायलों को उपचार के लिए श्रीनगर स्थित सेना के 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तानी सेना के बैट टीम के दस्तों में पाकिस्तानी सेना के कमांडो के अलावा अल बदर, तहरीकुल मुजाहिदीन, लश्कर और जैश के आतंकी भी शामिल होते हैं। वहीं मच्छल में सैन्य अभियान जारी है। इसके पूरा होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये बैट एक्शन है या फिर घुसपैठ का प्रयास। जानकारी के अनुसार शनिवार को तड़के मच्छल सेक्टर में कुमकाड़ी अग्रिम चौकी पर तैनात जवानों ने कुछ लोगों को चौकी की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उन्होंने उसी समय उन्हें ललकारा और आत्मसमर्पण करने को कहा। जवानों की ललकार सुनते ही हमला करने आए बैट दस्ते ने फायरिंग कर दी और वापस भागना शुरू कर दिया। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और उन्हें मुठभेड़ में उलझा लिया। लगभग 3 घंटे तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। बैट हमले को नाकाम बनाते हुए 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बैट का एक सदस्य भी मारा गया है, लेकिन उसका शव एलओसी पर ही पाकिस्तानी सेना की सीधी फायरिंग रेंज में पड़ा हुआ है।